नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक स्विच बोर्ड का वायरिंग करते हैं जिसमें एक 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब होल्डर और 2 स्विच लगे हुए। देखिए ये 5 पिन सॉकेट, इसका ये स्विच जिसका ये होल्डर है। तो ये दोस्तों इसको आगे तरफ से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, हमने एक स्विच का कनेक्शन दे दिया 5 पिन सॉकेट के साथ और दूसरे स्विच का कनेक्शन दे दिया है बल्ब के होल्डर के साथ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे की वायरिंग भी आप कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को यूज़ इस्तेमाल में लेने के लिए हमें सर्किट को कंप्लीट करना होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने बल्ब होल्डर लगाया है उस पर एक काला तार और एक लाल तार लगाया है, यानी कि उसको प्लस और माइनस दिया गया है। लेकिन प्लस को डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, जो 5 पिन सॉकेट और बल्ब का होल्डर एक साथ दे दिया गया है। और ब्लैक वायर से देख सकते हैं, जो दोनों को स्विच से कनेक्शन किया गया है और उस स्विच में यहाँ पे देख सकते हैं जो माइनस वाली तार है वो डायरेक्ट दे दी गई है। दोस्तों आइए इसे आप सेट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में स्क्रू सब टाइट कर दी गई है। अब आइए इसे एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, हमने बल्ब लगाया और बल्ब ग्लो कर गया या नहीं, हमारा स्विच ऑन था। अब देखिए स्विच ऑफ है, अभी हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाती है, स्विच ऑफ करने पर बुझ जाती है, यानी हमारी सर्किट बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 5 पिन सॉकेट को चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एक पहले वाली चार्जर है, इसमें भी लाइन अच्छे से आ रही है और स्विच भी अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।